हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रईस। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म पर एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रईस 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल है। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है, तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत तो को मस्मत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी यूट्यूब पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मौसूल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही है प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में रईस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सदीका एज ए सी पी एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो रईस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान रईस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन रईस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल
जो है ना वो आपको इस मूवी में जयराज के रोल में आपको ना मिलेंगे। ऐसा अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर ना जान लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है। वो छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथे के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है, वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज़्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्ज़ाम पड़ता है, जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी रोशन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बेबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करें और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करें। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आर्जी तौर पर जेल भेज देता है PR रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला और पाशा ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया, ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमेन खतरे के तौर पर देखकर CM ने मजूदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत में फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है, जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े प्राइस कंट्री क्रैकडाउन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मजूदार के सामने हथियार डाल देता है, अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जानबूझकर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है, इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बंबई में की गई है।
और सेट को अहमदाबाद की कच्ची बादों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में पुरान स्वस्ति की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच रोजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। मार्च 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मुस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराहनीय मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट और एक्सल इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौमे जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत और मस्मत जैसे मिले, जिनमें खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान, ओके ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम
सपित की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाई ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी जो रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा। और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे। मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद ईशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे। शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे। शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे। अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है। राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है। वो छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है। कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है। वो इन्हें शराब फराहम करता है। इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ए सी पी जे ए मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बेबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। ताहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है। पी आर रईस एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ए सी एम सी रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमान खतरे के तौर पर देखकर
सीएम ने मजूदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा खर्च है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत में फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तो पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मौजूदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में कुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच उजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही में रिलीज होने वाली थी लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यम जमहूरत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और उसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराय मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा और बार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियाने ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी
तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जम्हूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत तो मस्मत जैसे मिले, जिनने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाई ए फिल्म्स हैं, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी जो रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गैस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभाम जो है ना शुभाम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो रईस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान रईस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन रईस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। अखबार से जहर है, रईस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है। वो छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तौर पर अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है
और इस तरह इसे वजीर आला और अपोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मौजूद दार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस वतवजो महफूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज़्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूत दार को माजी में स्मगल करने का इल्ज़ाम पड़ता है, जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब की फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है PR रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया। ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है, रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर CM ने मुजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत में फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तो पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुँचता है जो इसे समुन्दर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मौजूदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में पुरान स्वस्ति की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच उजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर पेश करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। मार्च 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे
मस्तिष्क की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी पत्रकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे। लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे जिसकी इस फिल्म को काफ़ी सराही मिली। काफ़ी लोगों ने इस पर कोशिश का जाहिर किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत और मस्बत जैसे मिले जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगी हासिल हुई जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ निराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही है प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है। एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है। म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपित की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स हैं, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म को जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गैस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभाम जो है ना शुभाम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ए सी पी
एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे। मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी। एंड मोहम्मद ईशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे। शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे। शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे। अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसा अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। अखबार से जहर है। राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है। कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार ये तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है। वो इन्हें शराब फराहम करता है। इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजीशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। ताहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है PR रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला और पाशा ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर CM ने मजूदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया। तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा खर्च है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालते हैं।
इसके बाद वो मजूदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है, इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आ रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में कुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच उजा शूटिंग के लिए आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ईद में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौमे जमहूरियत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। मार्च 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। के आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी कि प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराही मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर कोशिश कर, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स किया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट और एक्सन इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है, तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत को मस्मत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइडेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मौसूल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड
स्क्रिप्ट बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गोरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सैनोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपित की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाई ए फिल्म्स हैं, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग राइस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगी जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन को नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं, इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ए सी पी जे ए मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुक और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तमीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब की फोन
टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है पी आर रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ए सी एम सी रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया। ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया। अपनी मकबरे का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर सीएम ने मुजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया। तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुँचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने आरडीएक्स की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मजदूर के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में भगवान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सरखीज रोजा शूटिंग के लिए आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को रिलीज होने वाली थी लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर पेश करने के लिए दोबारा शुरू किया गया जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। मार्च 2016 में एक बोबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना एमएनएस ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। एमएनएस ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी कि प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में एमएनएस के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से
बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा रिलीज भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, जिसकी इस फिल्म को काफ़ी सराहनीय मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रेस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने रिलीज भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है, तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जम्हूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत तो मस्बत जैसे मिले, जिनमें खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बन के सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी यूट्यूब पर 160 करोड़ 91.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही है प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी जो रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म को जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गैस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शिबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है। वो छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं।
इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथे के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है, वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजीशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है, जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है। PR रईस एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया, ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर CM ने मजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुँचता है जो इसे समुन्दर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री क्रैकडाउन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मजदूर के सामने हथियार डाल देता है, अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जानबूझकर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची बादों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में पुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सरखीज रोजा
शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही दिल्ली में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नौनिर्माण सेना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा रिलीज भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराहनीय मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रेस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा और इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियाने ने की है। इसे रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट और एक्सल इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है, तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूती तो मस्बत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइडेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी यूट्यूब पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, राइटर भी राहुल है। इसके साथ एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान, ओके ये भी इनका साथ दे रही है प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है।
कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो रईस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद ईशान अयूब एज अ सादिक खान रईस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन रईस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, रईस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ए सी पी जे ए मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है। रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करना एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आर्जी तौर पर जेल भेज देता है पी आर रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ए सी एम सी रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर सीएम ने मुजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत में फिर का वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज
कि वैसे इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते। मुकम्मल तौर पर टूट गया एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है, जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े प्राइस पंट्री करेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मजदूर के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है, इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में कुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच उजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही देर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यमी जंगल की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। मार्च 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फरकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, जिसकी इस फिल्म को काफ़ी सराहनीय मिली। काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत तो मस्मत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।
2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी यूट्यूब पर 160 करोड़ यानी 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाई ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जिदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद ईशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तौर पर अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस वत्तों जो महफूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूत
किरदार को माजी में समग्र करने का इंतजाम करता है, जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। ताहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है। पी आर रईस एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ए सी एम सी रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया। ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है, रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर सी एम ने मुजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुन्दर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने आल डी एक्स की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री करेक्ट डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मौजूदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं। इसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में भगवान स्वस्ति की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच रोजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यम जमहूरत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016
पाबंदी लगाने का मुतालबा किया के अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे। लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसकी सॉन्ग बहुत अच्छी थी क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराहना मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल ढुलिकियाने ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत और मस्मत जैसे मिले, जिनने खान और सिद्दीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है। एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है। म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपीत की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाई ए फिल्म्स है, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गैस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में रईस होगा। और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभाम जो है ना शुभाम चिंदमानी एज अ यंग रईस जो कि इनका बेटा होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे। मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो रईस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान रईस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे।
शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे। शिबा चढ़ा एज आमना हुसैन रईस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे। अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। ये अखबार से जहर है। रईस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है। कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है। वो इन्हें शराब फराहम करता है। इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बेबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। ताहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है। PR रईस एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमान खतरे के तौर पर देखकर CM ने मजूदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया। तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा खर्च है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तो पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े रईस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मौजूदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जान बूझ कर एक साथ वक्त गुजारते हैं जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है
इससे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें प्रेस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद अब वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में भगवान स्वस्ति की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच रोजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मुस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। के आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी के प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फरकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और उसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराही मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर कोशिश का जाहिर किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स किया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल धू लिकियानी ने की है। इसे रेड चैलेंज एंटरटेनमेंट और एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है, तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूत और मस्बत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सिद्दीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल, राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ निराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ है रही प्रोडक्शन में।
ओके जी, मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सैनोग्राफ की बात करें तो के यू मोहनान ने की है, एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है, म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपित की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स हैं, इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा। और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग राइस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है। वो छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तौर पर अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है और अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूलियत हासिल करता है, वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजिशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ए सी पी जे ए मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस पर तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में स्मगल करने का इल्जाम पड़ता है जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तामीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। ताहम मोहम्मद अराब भी फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है पी आर रईस। एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ए सी एम सी
रईस के बंद होने के बाद वजीर आला उप्पा शाह ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया, ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है। रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूल का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर सीएम ने मुजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कर्ज है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े प्राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मुजदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जानबूझकर एक साथ वक्त गुजारते हैं जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची आबादियों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में कुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खीज रोजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ईद में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर पेश करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी कि प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे। इस फिल्म को काफ़ी पसेराई मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर कोशिश कर, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स किया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा कारोबार इस मूवी ने किया। 2017 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म जिसकी हिदायत करी राहुल
धू लिकियाने ने की है। इसे रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट और एक्सल इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी और मायरा खान शामिल हैं। रईस के बारे में कहा जाता है कि ये मुजरिम अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर मबनी है। तहम फिल्म साजों ने इसकी तरदीद की है। ये फिल्म 25 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के योम जम्हूरिया के अख्ताम हफ्ते के दौरान रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन की तरफ से मजबूरी तौर पर मस्मत जैसे मिले, जिन्होंने खान और सदीकी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को सराहा और बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 2017 की सबसे ज्यादा प्राइवेट हिंदी फिल्म भी बनकर सामने आई। फिल्म के साउंड ट्रैक को भी YouTube पर 160 करोड़ 1.6 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मौसूल हुए। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 नामजदगियां हासिल हुई, जिनमें खान के लिए बेहतरीन अदाकार भी शामिल है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 47वीं भारतीय फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है राहुल और राइटर भी राहुल है। इसके साथ हरित एंड मिथा, इसके साथ इशेव एंड इसके साथ नीराज ने इस फिल्म को राइट किया है। प्रोड्यूस्ड बाय रितेश की तरफ से है, रितेश सिद्धवानी एंड इसके साथ फरहान अख्तर एंड इसके साथ गौरी खान। ओके, ये भी इनका साथ दे रही प्रोडक्शन में। ओके जी, इनमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सदीकी एंड मायरा खान। सिनेमोग्राफी की बात करें तो के यू मोहनान ने की है। एडिट जो है ना वो दीपा भाटिया ने की है। म्यूजिक जो है ना सॉन्ग वो राम सपित की तरफ से है एंड जाम एट की तरफ से, ओम गरोन की तरफ से भी है। एंड इसके साथ अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो रेड चिलीज इंटरटेनमेंट की तरफ से है एंड एक्सल इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बाय ए फिल्म्स है। इसके साथ जी स्टूडियोज इंटरनेशनल है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 25 जनवरी 2017 है। इसकी रनिंग टाइम 143 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और हिंदी ये जबान में बनाई गई। इस फिल्म की जो लागत आई वो अच्छी 95 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ का बिजनेस किया। गैस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान जो है ना वो आपको गैंगस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इनका नाम इस फिल्म में राइस होगा और इसके साथ अलम प्लस इसको बैटरी भी बोलते हैं एंड इसके साथ शुभम जो है ना शुभम चिंदमानी एज अ यंग राइस जो कि इनका बेटा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीका एज ए सी पी एंड जदीप अम्बला के रोल में आपको नजर आएंगे, मायरा खान एज आया काजी के रोल में आपको नजर आएंगे जो राइस की बीवी होंगी एंड मोहम्मद दिशान अयूब एज अ सादिक खान राइस फ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, शुभम खुराम एज अ यंग सादिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शेबा चढ़ा एज आमना हुसैन राइस मदर के रोल में आपको नजर आएंगे, अतवल जो है ना वो आपको इस मूवी में जिराज के रोल में आपको नजर आएंगे। ऐसे अगर फिल्म की स्टोरी लाइन को नजर लें तो हमें ये इस मूवी को में देखने को मिलता है कि फिल्म 1960 की दहाई में शुरू होती है। एक अखबार से जहर है, राइस एक तेज दिमाग लड़का फतेहपुर गुजरात एक खुश्क रियासत में रहता है और छोटी उम्र से ही शराब के गैर कानूनी कारोबार में शामिल हो जाता है। वो अपनी माँ के फलसफे को इस्तेमाल करता है, कोई पेशा कम नहीं और कोई मजहब किसी पेशे से बड़ा नहीं। इसे खुद फरेबी के तो के तरीका कार के तो अपने सबसे अच्छे दोस्त साथी के साथ वो एक मकामी गैंगस्टर जिराज के लिए काम करना शुरू कर देता है जो रईस को तरजीह देता है क्योंकि वो उस स्मगलिंग के लिए नए आइडियाज लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी ताकत और असर वसूख बढ़ता है वो जिराज से अलग होने का फैसला करता है।
वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्राइम बॉस मूसा भाई की मदद लेता है। वो अपनी बरादरी में बेपरहा मकबूल हासिल करता है। वो इन्हें शराब फराहम करता है, इन्हें ऑर्डर वसूल करने और पहुंचाने के लिए मुलाजिम रखता है और इस तरह इसे वजीर आला और पोजीशन लीडर पाशा भाई दोनों की सियासी जमात हिम्मत हासिल हो जाती है। दरअसल एक ईमानदार और ताकतवर पुलिस अफसर ACP JA मजूदार को फतेहपुर में मुंतकिल कर दिया जाता है और रईस को तवज्जो मरकूज करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। ये इसके अलावा ज़्यादातर डीलर्स को मुतासर करता है क्योंकि वो मजबूदार को माजी में समगल करने का इल्ज़ाम पड़ता है, जिसके नतीजे में दुश्मनी ताल्लुकात और जराज के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। बाद में रईस ने जवाबी कार्रवाई में इसे कत्ल कर दिया। इसी दौरान रईस ने अपनी पड़ोसन आसिया से शादी कर ली और इसका एक बीबी शावर पर वो वजीर आला को कायल करता है कि वो मोहम्मद दार को पुलिस कंट्रोल रूम में मुंतकिल करे और इससे पेश करदा एक नया रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट शुरू करे। मौजूद के चले जाने और तमीराती काम जोरों पर होने के बाद इससे ऐसा लगता है कि इसके लिए सब ठीक हो रहा है। तहम मोहम्मद अराब की फोन टैप और मोल्स के जरिए अपनी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है जो उसने पहले लगाए। स्टैंड के तौर पर आरजी तौर पर जेल भेज देता है। PR रईस एक इख्तलाफ की वजह से पाशा भाई पर खुलेआम हमला करता है और ACMC रईस के बंद होने के बाद वजीर आला पाशा ने आने वाले बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद किया। ये समझते हुए कि इसे धोखा दिया गया है, रईस ने इंतखाबात में खड़े होने का फैसला किया, अपनी मकबूल का इस्तेमाल किया और जीत गया। इसे एक असमैन खतरे के तौर पर देखकर CM ने मजदार को वापस फतेहपुर बुलाया और इसके रॉयल स्टेट प्रोजेक्ट के प्लाट को महफूज अराजी के तौर पर करार दिया, तामीर को गैर कानूनी करार दिया। रईस पर अपनी कम्यूनिटी का बहुत बड़ा खर्च है जिससे इसने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने पर राजी किया था। सूरतहाल को मजीद खराब करने के लिए रियासत ने फिरका वाराना फसादात कर्फ्यू के नफाज की वजह से इसके शराब के कारोबार को खतरे में डालते मुकम्मल तौर पर टूट गया। एक मायूस रईस मूसा भाई के पास मदद के लिए पहुंचता है जो इसे समुंदर के रास्ते सोने की स्मगलिंग के लिए रकम की पेशकश करता है। जल्द ही हिंदुस्तान भर में सिलसिलावार बम धमाके होते हैं। रईस को मालूम हुआ कि मूसा ने RDX की स्मगलिंग के लिए सोना कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस एक बड़े क्राइस कंट्री क्रेक डॉन की क्यादत करती है। रईस के तमाम साथी या तो पकड़े गए या मारे गए। दिल शिकस्त और गमगीन रईस मूसा भाई और इसके आदमियों को बेगुनाहों को मारने के लिए इस्तेमाल करने पर मार डालता है। इसके बाद वो मजदार के सामने हथियार डाल देता है। अच्छी तरह जानता है कि वो इसे मार डालेगा। मोहम्मद और रईस जानबूझकर एक साथ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मोहम्मद रईस को गोली मार देता है। जैसे ही वो गिरता है इसे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की तालीमात की यादें आती। रईस के आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हुए मोहम्मद और वहां से चला गया। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई है और सेट को अहमदाबाद की कच्ची बादों की तस्वीर कशी के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। एहतजाज के बावजूद फिल्म की शूटिंग भूज में जनवरी और फरवरी 2016 के दरमियान बगैर किसी रुकावट के की गई। अहमदाबाद में पुरान स्वस्ती की मस्जिद और मकबरा के अहाते सर खींच रोजा शूटिंग के लिए असार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी का मसला था। ये फिल्म 6 जुलाई 2016 को ईद में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस के मुकाबले से बचने के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को 26 जनवरी 2017 को हिंदुस्तान के यौम जमहूरियत की ओर रिलीज करने के लिए दोबारा शुरू किया गया, जिसका
ऋतिक रोशन की अदाकारी वाली फिल्म काबुल से मुतसादम हुआ, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में मुंतकिल कर दिया गया। रईस दुनिया भर में 3500 स्क्रीन के लिए खोला गया। बाद 2016 में एक बोबीना गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे मुस्तिक की तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि इनके वालिद की जिंदगी पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। कि आड़ी दहशतगर्दाना हमले के चंद दिन बाद महार शटर नो नरमान सीना MNS ने पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों पर इस बुनियाद पर 2016 पाबंदी लगाने का मुतालबा किया कि अदाकार खुलेआम दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे थे। रईस इनकी फहरिस्त में शामिल थे क्योंकि कास्ट मेंबर माहिरा खान पाकिस्तानी है। MNS ने पाबंदी हटाने के लिए शर्त रखी कि प्रोड्यूसर आइंदा कभी पाकिस्तानी फिल्मकारों को कास्ट नहीं करेंगे और इन्हें भारतीय आर्मी वेलफेयर फंड में करोड़ रुपए बतौर कुफारा देना होंगे, लेकिन भारतीय फौज ने यह कहकर इससे कबूल करने से इनकार कर दिया कि कुर्बानों को शर्त नहीं करनी चाहिए। बाद में MNS के मुतालबे के मुताबिक रईस पर से बगैर किसी शर्त की पाबंदी हटा दी गई। इसके बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया और इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस भी किया और इसके सॉन्ग बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी सराहनीय मिली, काफ़ी लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया, काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिया, अच्छे इसको नंबर से नवाजा और अच्छी इसने बिजनेस भी किया, अच्छा और इस मूवी ने किया।